गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे टेक्सटाइल ब्लीचिंग प्रोसेस। टेक्सटाइल ब्लीचिंग प्रोसेस, तो इसमें हमने प्रिपेटरी प्रोसेस में जो पढ़े हैं वो हमने पढ़ा है। सिंजिंग पढ़ चुके हम लोग, सिंजिंग, डिसाइजिंग, डिस्कवरिंग, और उसके बाद में सबसे लास्ट टॉपिक आपका ब्लीचिंग है। ठीक, तो हमने सिंजिंग में पढ़ा था, इसका ऑब्जेक्ट जो था टू रिमूव द प्रोट्रूडिंग फाइबर फ्रॉम द फैब्रिक, इसका ऑब्जेक्ट था। डिसाइजिंग का टू रिमूव द साइज मटेरियल फ्रॉम द फैब्रिक। ठीक है, इस कवरिंग में टू रिमूव द ऑयल एंड वैक्स एंड फैटी मटेरियल फ्रॉम द फैब्रिक, और इसका हम ब्लीचिंग का ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट है टू रिमूव द नेचुरल कलर एंड इट्स इम्प्योरिटी फ्रॉम द फैब्रिक, फ्रॉम द फैब्रिक। ठीक है, ये हम लोग ब्लीचिंग का ऑब्जेक्ट अगर कोई पूछे तो कहेंगे आप टू रिमूव द नेचुरल कलर एंड इट्स इम्प्योरिटीज फ्रॉम द फैब्रिक। जब हम कॉटन फैब्रिक को लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश में छोड़ देते हैं या वातावरण में छोड़ देते हैं तो कॉटन का जो कलर हो जाता है येलोइश हो जाता है, येलोइश हो जाता है। ठीक है, लाइट येलोइश कर सकते हैं, लाइट येलोइश हो जाता है। ठीक है, इसी येलोइश कलर को हटाने के लिए हमें ब्लीचिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर यही येलोइश कलर ना होता तो हम इसके फैब्रिक की ब्लीचिंग ना कहते, सीधे फैब्रिक की डाइंग कर देते हैं। ठीक, तो जो आपका ब्लीचिंग में होता है नेचुरल कलर को ही हटाते हैं। तो इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आपका ऑब्जेक्ट आएगा टेक्सटाइल ब्लीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन के तहत ही आपका ऑब्जेक्ट आएगा इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको बताया जा चुका है टू रिमूव द नेचुरल कलर। नेचुरल कलर आता कहाँ से है, नेचुरल कलर आता कहाँ से, जब हम इसको वातावरण में इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, लाइट येलोइश हो जाता है, लाइट येलोइश हो जाता है। इसी कलर को हटाना ही, यही नेचुरल कलर है, इस कलर को हटाना ही आपका ब्लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक, तो ये आपका हम ब्लीच सेलुलोजिक फैब्रिक को पढ़ रहे हैं, सेलुलोजिक फैब्रिक में खासकर कॉटन फाइबर। ठीक है, अगर आपका मैनमेड फाइबर है, मैनमेड फाइबर, तो इसको हम डिसकलरेशन करेंगे, तो हम उसका डिसकलरेशन कहते हैं। मैनमेड फाइबर में क्या होता है कि उसी समय कुछ फाइबर में डाई मिला दिया जाता है, या फिर कहीं से और कलर आ गया उसमें, तो उस फैब्रिक की हम क्या कह सकते हैं, मैनमेड फाइबर का, जैसे पॉलिस्टर हो गया, आपका नायलॉन हो गया, इन सब का क्या होता है, ब्लीचिंग करते नहीं, इनका, इन सब का डिसकलरेशन करते हैं, ब्लीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत ही डिसकलरेशन करते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में और क्या चीज़ें आती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी में लिख सकते हैं हम लोग, जैसा कि किताब में लिखा है आप उसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल। डिस्कवरिंग प्रोसेस के तहत या स्कवरिंग प्रोसेस में हम लोग फैब्रिक से आयल वैक्स और फैटी मटेरियल, स्कवरिंग प्रोसेस के माध्यम से हम लोग आयल वैक्स और फैटी मटेरियल को हटाते हैं, जिससे क्या होता है, फैब्रिक की एब्जॉर्बेंसी बढ़ती है, फैब्रिक की जो एब्जॉर्बेंसी है वो बढ़ जाती है,
फैब्रिक की एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती, कहने का मतलब वो वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ा देता है। फैटी मटेरियल जब हटेंगे, ऑयल हटेगा, वैक्स हटेगा, तो इससे क्या होगा, फैब्रिक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी को सोखेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी सोखेगा तो क्या होगा, कलर अच्छे से होगा, जल्दी जल्दी होगा, कम समय में होगा, ठीक। तो इसमें एब्जॉर्बेंसी बढ़ाती है इस कवरिंग में, और इस कवरिंग करने से नेचुरल कलर नहीं हटता है। इस कवरिंग करने से केवल आयल, वैक्स और फैटी मटेरियल हटता है, नेचुरल कलर काटन का नहीं हटता है। नेचुरल कलर काटन को हटाने के लिए हमें ब्लीचिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी में एक पॉइंट और लिखते हैं, लाइट सेट और मीडियम सेट के लिए, लाइट सेट और मीडियम सेट के लिए ब्लीचिंग की आवश्यकता पड़ती है, डार्क सेट के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप लाइट कलर जैसे 1% से ब्लीचिंग कर रहे हैं, 1% से डाई कर रहे हैं, 2%, 3%, ये सब क्या होते हैं, कैसे कलर होते हैं, लाइट कलर होते हैं, 3-4 मीडियम मान लीजिए, 3-4-5, ठीक है। अगर डार्क सेट है, जैसे बहुत ज़्यादा डार्क है, ब्लैक करना है बहुत ज़्यादा है, तो उसमें अगर आप ब्लीचिंग नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाता है, ठीक है। अगर कोई पूछे लाइट और मीडियम कलर का ही केवल ब्लीचिंग कर सकते हैं, जैसे लाइट हल्का येलो है या फिर हल्का से थोड़ा ज़्यादा है, इन्हीं दोनों कलर के लिए ब्लीचिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर आपको डार्क पीला ही चाहिए, डार्क येलो ही चाहिए, तो आपको ब्लीचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डार्क में कोई भी कलर आपको चाहिए तो ब्लीचिंग नहीं करेंगे तो भी आपका काम चल जाता है, ठीक। तो ये आपका इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद इस कवरिंग करने से क्या होता है, उसके बाद किस किस कलर की ब्लीचिंग करते हैं, लाइट सेट और मीडियम सेट के लिए हमें ब्लीचिंग की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैनमेड फाइबर है तो उसका हम क्या करते हैं, डिसकलरेशन करते हैं, ठीक। मैनमेड फाइबर में अगर कहीं से कलर आ गया तो उसका हम डिसकलरेशन करते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लीचिंग देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लीचिंग एजेंट, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लीचिंग एजेंट, बोर्डली कैन बी डिफाइंड इंटू टू ग्रुप। इसको बोर्ड ने दो ग्रुप में डिफाइंड किया, पहला है ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट, दूसरा है आपका रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट, रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट, ठीक। तो दो ग्रुप में बोर्ड ने इसको डिफाइंड किया, पहला है ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट, दूसरा है रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट, ठीक। तो अब पुनः ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट है ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट में भी दो ग्रुप में बांटा गया है, ए बी में, ठीक है। इसमें भी दो ग्रुप में बांटा गया है, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है। इसमें है पर ऑक्साइड सिस्टम, ठीक, और दूसरा है क्लोरीन सिस्टम, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट भी दो ग्रुप में बांटा गया है, पहला पर ऑक्साइड सिस्टम, दूसरा है क्लोरीन सिस्टम, ठीक। पर ऑक्साइड सिस्टम में जैसे आपका H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सिस्टम में H2O2, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले क्लोरीन सिस्टम पढ़ते हैं। क्लोरीन सिस्टम में मान लीजिए पहला है ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन सिस्टम में जो है ब्लीचिंग पाउडर से भी कहते हैं, क्लोरीन सिस्टम में ब्लीचिंग पाउडर आता है, क्लोरीन सिस्टम में आपका
ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। दूसरा आता सोडियम हाइपो क्लोराइड, ये इम्पॉर्टेंट है सोडियम हाइपो क्लोराइड। तीसरा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन क्यों आती है इसमें, इसका जो फार्मूला CaO Cl2, ठीक है, क्लोरीन आ रही इसलिए इसको क्लोरीन सिस्टम में लिखा गया है। और सोडियम हाइपोक्लोराइड इसका फार्मूला है NaO, सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड इसी प्रकार से है, ठीक। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइपोक्लोराइड को पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, बाकी को हमें छोड़ देना है। तो हमें जो पढ़ना है सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में पढ़ना है, और दूसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट भी कहते हैं, उसको बाद में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम जो हेडिंग लिखेंगे वह है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये सब हम जो पढ़ रहे हैं, जितने भी प्रिपरेटरी प्रोसेस पढ़े हैं, वह हम नेचुरल फाइबर के लिए पढ़े हैं, खासकर टेक्सटाइल फाइबर, क्या नाम, कॉटन फाइबर के लिए, ठीक। बाद में हम लोग सिल्क के लिए पढ़ेंगे और ऊल के लिए अलग से पढ़ेंगे, इनकी ब्लीचिंग कैसे होती है, इनकी स्क्रबिंग कैसी होती है। अभी हम लोग काटन के लिए पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं सब काटन के लिए, जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है वो काटन का ही पूछा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं सेलुलोज़िक फाइबर का ब्लीचिंग फाइबर, सेलुलोज़िक फाइबर में काटन, ठीक। इसमें सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपो क्लोराइड, ठीक, सोडियम हाइपो क्लोराइड। यह एक स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रांगेस्ट ऑक्सी डाइजिंग एजेंट होता है, कौन, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है, एक स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि यह रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर होता है 25 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि यह रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है, ठीक। इसका रिएक्शन को देखते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड कैसे रिएक्ट करता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, यह स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि यह रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है, ठीक। इसके हम रिएक्शन को देखते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड का, जब ऑक्सीडेशन होता है इसमें वाटर है, वाटर के साथ जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता जो है ठीक। तो ये आपका है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपो क्लोराइड, ये आपका वाटर है। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेन इम्पॉर्टेंट ये है, ये आपको ब्रैकेट में ऑक्सीजन को बंद करना है, इसको हम लोग कहते हैं नसेंट ऑक्सीजन, नसेंट ऑक्सीजन, ठीक। आपको इसी तरीके से बनाना है, ऑक्सीजन को बनाना है, इसको बड़े कोष्टक में बंद करना है, इसमें बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक और दूसरा नहीं लगाना, जैसे लिखा गया आपको सेम टू सेम ऐसे लिखना है। यही आपका नेचुरल कलर को हटाता है, यही इम्पॉर्टेंट होता है, नसेंट ऑक्सीजन ही प्राप्त करना होता है, यही आपका नसेंट ऑक्सीजन ही क्या कहता है, नेचुरल कलर को हटाता है,
नसेंट ऑक्सीजन ही क्या कहता है, टू रिमूव द नेचुरल कलर, रिमूव द नेचुरल कलर, ठीक है। नसेंट ऑक्सीजन ही नेचुरल कलर को हटाता है, ठीक। ये आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड का ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नसेंट ऑक्सीजन प्राप्त कर होता है। नसेंट ऑक्सीजन ही नेचुरल कलर को हटाता है। नेचुरल कलर होता क्या है, कॉटन को जब हम लंबे समय तक वातावरण में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो उसका कलर लाइट एलोइस हो जाता है। उस लाइट एलोइस को हटाना ही ब्लीचिंग कहलाती है। तो ब्लीचिंग प्रोसेस दो प्रकार की होती है, उसमें बताए हैं आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग में एक आता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड के अंतर्गत ये सब लिखना है, ठीक। उसके बाद हम इसकी रेसिपी को देखते हैं या इसी में कुछ और इंट्रोडक्शन लिखते हैं पॉइंट बना करके। अगर फैब्रिक को डैमेज होने से बचाना है तो इसमें पीएच मेंटेन करना पड़ता है। फैब्रिक को डैमेज होने से बचाना है तो पीएच इसका जो होगा 10.5 से 11 के बीच में पीएच रखते हैं, ठीक है। पीएच मेंटेन कैसे किया जाता है, पीएच को मेंटेन करने के लिए हमें किसी एक बेस की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये बेस है एसिड नहीं। 10.5 से 7 से ऊपर जो होते हैं जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है वह बेस होता है और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो एसिड होता है, ठीक। तो हमें 7 से ऊपर है तो ये बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम मेंटेन कैसे करते हैं, कास्टिक सोडा से, कास्टिक सोडा से हम पीएच मेंटेन करते हैं। कम है पीएच मान जैसे 10 है या 9 है तो इसमें कास्टिक सोडा मिला देंगे थोड़ा से तो आपका 10.5 से 11 के बीच में पीएच पेपर से चेक करते रहेंगे इतना हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 13 हो गया पीएच मान, तो इसमें थोड़ा से वाटर ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे तो इसका पीएच मान कम हो जाएगा, लगभग 10.5 से 11 के बीच में हो जाएगा। पीएच पेपर से हम लोग लगातार चेक करते रहेंगे कि पीएच मान 10.5 से 11 के बीच में है कि नहीं है। ज़्यादा है तो क्या करेंगे, पानी मिला देंगे, कम है तो कास्टिक सोडा मिला करके उसको मेंटेन करेंगे, ठीक। इसके बाद हम इसके रेसिपी को देखते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड की रेसिपी क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड की रेसिपी क्या है जिससे हम ब्लीचिंग करेंगे, ठीक। रेसिपी में पहला है वेटिंग एजेंट 0.3 से 0.5 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। दूसरा है कास्टिक सोडा ये आपका 0.5 से 1 ग्राम प्रति लीटर है। तीसरा है सोडा अस ये आपका 2 से 4 ग्राम प्रति लीटर है, ठीक। इसके बाद है चार नंबर पे सोडियम हाइपोक्लोराइड 5 से 15 ग्राम प्रति लीटर, ठीक। पांचवे नंबर पे आपका टाइम जो है 30 से 60 मिनट, ठीक। टेम्परेचर जो इसका है 25 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, पीएच मान 10.5, पी के ऊपर ये हमेशा लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है आपका आठ नंबर पे मटेरियल टू लिक्विड रेशियो 1:10 है, ठीक। मटेरियल टू लिक्विड रेशियो 1:10 है आपका। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का रेसिपी है। वेटिंग एजेंट जो है आपका 0.3 से 0.5 ग्राम प्रति लीटर, ठीक। उसके बाद कास्टिक सोडा है जो आपका 0.5 से 1 ग्राम प्रति लीटर,
और सोडा अश जो 2 से 4 ग्राम प्रति लीटर है, सोडियम हाइपोक्लोराइड 5 से 15 ग्राम प्रति लीटर है, टाइम इसमें जो लगता है 30 से 60 मिनट लगता है, और टेम्परेचर जो है 25 से 60 के बीच में रखना है आपको, ठीक है। आप रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर मतलब इसमें किसी भी प्रकार का इंडक्शन हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूम टेम्परेचर कहने का मतलब इस समय जो रूम का टेम्परेचर है लगभग 20 के आसपास है, ठीक है। पीएच मान जो है 10.5 रखना है, ठीक। और उसके बाद ये मटेरियल टू लिक्विड रेशियो 1:10 रखना है, ठीक। तो ये आपका ब्लीचिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड का रेसिपी है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका हाइड्रोजन पराक्साइड, जिसको यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं, उसकी रेसिपी को पढ़ेंगे, उसकी रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है तो हर कंपनी सोडियम हाइड्रोजन पराक्साइड से ही ब्लीचिंग करती है, ठीक। उसके बाद हम मेथड ऑफ ब्लीचिंग देखेंगे, कौन कौन सी मशीनों का यूज करते हैं ब्लीचिंग करने में, ठीक। तो एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं, इसमें क्या है कि ब्लीचिंग क्या होती है। टेक्सटाइल ब्लीचिंग प्रोसेस में हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका जो ऑब्जेक्ट होता है टू रिमूव द नेचुरल कलर एंड इट्स इम्प्योरिटीज फ्रॉम द फैब्रिक, ठीक है। अगर मैनमेड फैब्रिक है या मैनमेड फाइबर है तो उसका हम डिसकलरेशन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे स्कवरिंग प्रोसेस के माध्यम से हम लोग आयल, वैक्स एंड फैटी मटेरियल को हटाते हैं, जिससे एब्जॉर्बेंसी बढ़ती है। एब्जॉर्बेंसी का तात्पर्य है फैब्रिक को वाटर सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी। जब वाटर को जल्दी सोखेगा उसी में कलर मिला होता है, जब कलर उसी में मिला होता है तो फैब्रिक आपका जल्दी से जल्दी डाई हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं ब्लीचिंग हम लोग किस कलर की कर सकते हैं, जैसे लाइट शेड है और मीडियम शेड है। लाइट मीडियम शेड जैसे कि मतलब फैब्रिक में आ गया जो येलोइश कलर, येलोइश कलर के अलावा बहुत कम ही चांस होता है दूसरा कलर आने का। अगर मशीन से कोई ऑयल या मोबिल लग जाती तो अलग बात है, नहीं तो आपका नेचुरल कलर ही आ जाता है, ठीक है। उसी के हम ब्लीचिंग करते हैं, तो लाइट और मीडियम शेड की ब्लीचिंग करते हैं सामान्यतः, और डार्क शेड की ब्लीचिंग नहीं करते, क्योंकि डार्क शेड में आसानी से मैचिंग हो जाती है। जैसे डार्क येलो है, डार्क येलो है, तो अगर हम डार्क येलो कलर ही लाना चाहते हैं तो आराम से आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं, दिखेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद बोर्ड ने 2 प्रकार से ब्लीचिंग का करने के प्रोसेस को बताया। पहला है ऑक्सीडाइजिंग, दूसरा रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पराक्साइड होता है, दूसरा क्लोरीन सिस्टम होता है। पराक्साइड में सोडियम हाइड्रोजन पराक्साइड होता है, दूसरा क्लोरीन सिस्टम में दो या तीन होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर द्वारा होता है, दूसरा है सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, तीसरा सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक। इसी प्रकार और भी होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा है। तो जो इम्पॉर्टेंट था आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसके माध्यम से हम लोग ब्लीचिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, यह स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यह रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन हमें मिल जाता है। रूम टेम्परेचर क्या होता है, 25 ± 5 पे, ठीक है। इसके बाद हम इसके पीएच मेंटेन करने के लिए हम लोग कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। बेसिक मीडियम में हो रहा है रिएक्शन, आप देख रहे हैं बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। अगर ज़्यादा बेसिक मीडियम हो गया तो ये फैब्रिक को डैमेज कर सकता है, ठीक। इसीलिए पीएच 10.5 के बीच में हम रखते हैं। उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड की हम रेसिपी को देखते हैं। इसमें है आपका वेटिंग एजेंट जो होता है, इसमें आपको बताया गया TRO या ब्रिलियंट आयल, TRO टर्की रेड आयल, ठीक है। TRO का मतलब होता है टर्की रेड आयल, ये एब्जॉर्बेंसी को बढ़ा देता है, अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, इवन मतलब हर जगह पे एब्जॉर्बेंसी बढ़ा देगा, ठीक है, यूनिफार्म कर देगा, वाटर हर जगह एब्जॉर्ब होगा आसानी से। वेटिंग एजेंट आपका 0.3 से 5 के बीच में रखना है, 0.5। उसके बाद कास्टिक सोडा जो है आपका 0.5 से 1 ग्राम प्रति लीटर लेना है। सोडा अस जो है आपका 2 से 4 ग्राम प्रति लीटर लेना है, ठीक। और उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड ये आपका 5 से 15 ग्राम प्रति लीटर लेना है। इसमें जो टाइम लगेगा वो आपका 30 से 60 मिनट, लगभग 1 घंटे के आसपास, ठीक है, आधा से 1 घंटे। टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं, इसका जो रेंज है 25 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बीच में वेरी करा सकते हैं आप। जो पीएच मान है इसका 10.5 के पर रखना है। मेंटेन कैसे करते हैं, कास्टिक सोडा से, कम है कास्टिक सोडा मिला देंगे तो
तो ये 10.5 हो जाएगा लगभग। अगर 13 हो गया, 14 हो गया, 13 या 14 हो गया, तो उसमें हम वाटर मिला देंगे तो आपका 10.5 के आसपास हो जाएगा। और लास्ट है आपका मटेरियल टू लिकर रेशियो। मटेरियल टू लिकर रेशियो जो है वो आपका 1:10 के बीच में रखना है, मतलब 1:10। अगर आपका इसको बताएंगे 1:10 क्या होता है मटेरियल टू लिकर रेशियो, जितना आपका मटेरियल उसका 10 गुना केमिकल रहेगा, केमिकल प्लस वाटर, ठीक। इसी को बताया जाएगा लास्ट में जब आपको सिस्टमेटिक ढंग से इस फार्मूले को अप्लाई करने बताया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे हाइड्रोजन पराक्साइड की ब्लीचिंग कैसे करते हैं, हाइड्रोजन पराक्साइड को यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट क्यों कहते हैं, उसकी रेसिपी क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, उसके बाद कितने मेथड से ब्लीचिंग की जाती है, या कितने मेथड का मतलब इसमें कौन कौन सी मशीन का यूज करते हैं ब्लीचिंग प्रोसेस में। ओके, थैंक यू।